हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज के वीडियो में एक स्किन ब्राइटनिंग क्रीम के बारे में बात करने वाली हूँ। जेल है, स्किन ब्राइटनिंग लाइटनिंग जेल है जिसके बारे में मैं बताने वाली हूँ और इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं कभी ऐसी कोई जेल्स वगैरह यूज़ नहीं करती जो स्किन को लाइट करे, ब्राइट करे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जो आपकी स्किन को काले से गोरा कर दे। और ये क्रीम भी काले से गोरा नहीं करेगी, बस ये इतने अच्छे अच्छे चीज़ों से मिलके बनी हुई है कि आपकी स्किन को लाइटन करती है, एक दो शेड लाइट कर देगी। किसी भी टाइप के आपको स्कार्स हैं, एक्ने स्कार्स हैं, सन डैमेज के कारण स्कार्स हुए हों, एजिंग के कारण स्कार्स हुए हों, उनको रिमूव करने में हेल्प करेगी। साथ ही साथ पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, उस पर भी ये बहुत अच्छे से काम करती है। जिस जेल के बारे में बताने वाली हूँ वो है ये है कोजिटिन इम्यूल जेल। तो मैं इसको क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कोई भी चीज़ यूज़ करती हूँ तो उसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर देखती हूँ, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कमाल के हैं और सेफ़ हैं। क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर जो स्किन ब्राइटनिंग लाइटनिंग जो जेल्स होती हैं जो स्कार्स को ठीक करती हैं, इनका क्या होता है, एक बार लगा लो फिर थोड़े दिन बाद आपकी स्किन और ज़्यादा काली होने लगती है, पर इसको लगाने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और आज आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये काफ़ी सेफ़ है और मैं खुद यूज़ कर रही हूँ इसको, तो मुझे कैसे रिजल्ट्स मिले, कैसे यूज़ करना है, ये सारी बातें आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स आप लोग करते ही रहते हो कि दाग धब्बों को दूर करने के लिए क्या करें, तो दाग धब्बों को दूर करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर ज़रूर देखना। तो चलिए अब बात करते हैं इस जेल के बारे में। तो ये जो जेल है ये मेडिकेटेड जेल है और डर्मेटोलॉजिस्ट बिल्कुल आपको रेकमेंड करते हैं, इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाती है। मैं कहूँगी ऑफलाइन किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके आप इसको ले सकते हो, ऑनलाइन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, वो है इसके इन्ग्रीडियंट्स की। इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं कोजिक एसिड 2% यूज़ किया गया है, अल्फ़ा आरब्यूटिन 1.5% यूज़ किया गया है, ऑक्टिल मेथॉक्सी सेनेमेट 7.5% यूज़ किया गया है, विटामिन ई एसिटेट 1%, मलबरी रूट एक्सट्रैक्ट 1% और लिकोरिस एक्सट्रैक्ट इसमें 0.5% यूज़ किया गया है। कोजिक एसिड की बात करूं तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंग्रेडिएंट होता है स्किन को लाइटन करने में। सन डैमेज हुआ हो, एज स्पॉट्स हैं, स्कार्स हैं, टैनिंग है, इन सब को दूर करने में कोजिक एसिड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो भी मार्केट में प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्किन लाइटनिंग ब्राइटनिंग का काम करते हैं उनमें कोजिक एसिड होता ही होता है। अल्फ़ा आरब्यूटिन प्लांट एक्सट्रैक्ट होता है जो कि स्किन ब्राइटनिंग एजेंट का काम करता है, सन स्पॉट से, पिगमेंटेशन से, स्कार से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि सन डैमेज से स्किन को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इस जेल में यूज़ किया गया है ऑक्टिल मेथॉक्सी सिनेमेट जो कि ज़्यादातर सनस्क्रीन में पाया जाता है, सनस्क्रीन में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये यूवीवी रेस से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और स्कार्स वगैरह जो भी हो जाते हैं उनको रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। विटामिन ई एसिटेट है इस जेल में जो कि फ्री रेडिकल से स्किन को प्रोटेक्ट करता है, फ्री रेडिकल के कारण जो भी डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करने में, उसको ट्रीट करने में ये हेल्प करता है और साथ ही साथ स्किन को हेल्दी बनाता है, ग्लोइंग बनाता है। मलबरी रूट एक्सट्रैक्ट इसमें यूज़ किया गया है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो भी स्किन पे इरिटेशन हो जाते हैं ना उनको काम करने का काम करता है, और डिस्कलरेशन का प्रॉब्लम है, अनइवन स्किन टोन का प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करने में, उसको दूर करने में ये यूज़ किया जाता है और हेल्प करता है। इसमें यूज़ किया गया है लिकोरिस एक्सट्रैक्ट, मतलब मुलेठी। मुलेठी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, सूदिंग इफ़ेक्ट देती है, रेडनेस को कम करती है, इरिटेशन को कम करती है, ये भी एक ब्राइटनिंग एजेंट के जैसे काम करती है, तो स्किन को ब्राइट करने में, लाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो देखा आपने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ों से मिलके ये बना हुआ है और इतने कमाल की चीज़ों से मिलके बना हुआ है, इसीलिए इतना अच्छा काम भी करता है। और अब बात कर लेते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो आपने इंग्रेडिएंट्स जो मैं बता रही थी तो देखा होगा ज़्यादातर चीज़ें जो इसमें यूज़ की गई हैं वो सन से प्रोटेक्ट करती हैं, सन से प्रोटेक्ट करेंगी,
सन डैमेज हुआ है उससे भी प्रोटेक्ट करती है, उसको हील करने का काम करती है। पर फिर भी मैं कहूँगी इसके साथ आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्किन पे क्या होता है, जब आप ये क्रीम लगाओगे, सनस्क्रीन नहीं इसके साथ यूज़ करोगे, तो आपकी स्किन पे साइड इफ़ेक्ट्स होने लगेंगे, आपकी स्किन डार्क होने लगेगी या फिर और कुछ प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। इस क्रीम को भी आप दिन में यूज़ ना करो तो अच्छा है, सिर्फ नाइट में यूज़ करो। आप ओवरनाइट लगा के रख सकते हो। मैं इस तरह से ही लगाती हूँ, मैं दिन में नहीं लगाती हूँ, मैं नाइट में लगाती हूँ। और ओवरनाइट लगा के रखो और मॉर्निंग में फेस वॉश कर लो। और इसको लगाने से पहले भी आपको अच्छे से अपना फेस को वॉश कर लेना है, जब ड्राई हो जाए तो इसकी पतली सी लेयर आप अपने फेस पर लगा लीजिए। और अगर आप इसको दिन में लगाते हैं तो दिन में भी लगा सकते हो, इसके ऊपर सनस्क्रीन लगाओ, बिना सनस्क्रीन के इसको नहीं लगाना। तो 15 डेज से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। 15 डेज में जो मुझे मेरी स्किन पर चेंजेस नज़र आए वो ये कि अभी मुझे एक्ने स्कार हो गए थे, बहुत सारे एक्ने स्कार्स थे जो कि मुझे थोड़े से लाइट होते नज़र आए, जो लाइट थे ऑलरेडी वो थोड़े से गायब हो गए और जो थोड़े से डार्क थे वो लाइट होते नज़र आए। इसके साथ ही मुझे मेरी जो स्किन टोन है वो काफ़ी अनइवन थी, वो मुझे सही लगी और मेरी जो स्किन टोन है वो थोड़ा सा लाइट लगा, मतलब स्किन थोड़ी सी क्लियर लगी, कह सकते हैं कि टैनिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम थी वो इस जेल से काफ़ी हद तक ठीक हुई। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे YouTube पर इसके वीडियोस देखे तो काले से गोरा कर देगा, नहीं, कोई भी क्रीम ऐसी नहीं है मार्केट में जो आपको काले से गोरा बना दे। बस आपकी जो टैनिंग हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है, ये क्रीम उससे प्रोटेक्ट करेगी और आपकी स्किन टोन एक दो शेड लाइट हो जाएगी। और ये जो क्रीम है इसको ऐसा नहीं है कि आप हमेशा लगा रहे हो बहुत लंबे टाइम तक, एक डेढ़ महीने इसको लगाओ जब तक ये ट्यूब ख़त्म ना हो जाए, फिर आप अपना अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करो जिससे कि आपकी स्किन डार्क ना पड़ पाए। सनस्क्रीन हमेशा लगाना है, सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो ये सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद स्किन डार्क होना शुरू हो ही जाती है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और आपको ये क्रीम तब लगानी है जब आपके पिंपल्स ठीक हो जाते हैं। ये पिंपल्स को ठीक करने में कोई भी काम नहीं करेगी, आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगी, ये सिर्फ दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, टैनिंग, हाइपर पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन टोन है इसको ट्रीट करने में यूज़ की जाती है, पिंपल्स वगैरह ठीक नहीं करेगी। अगर पिंपल के साथ दाग धब्बे हैं तो आप पहले अपने पिंपल को ठीक करो। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दूँगी, उसमें आपको बहुत सारे वीडियोज़ दिख जाएंगे जिससे आप अपने एक्ने पिंपल ठीक कर सकते हो। तो पहले आप वो सारी चीज़ें यूज़ करो, फिर आप इस ये जो जेल है इसको यूज़ कोजिटिन जेल को यूज़ कर सकते हैं। जेल एक ही साइज़ में आती है और इसके प्राइस की बात करूँ 260 रुपीज़ का इसका प्राइस है। ऑनलाइन ऑफलाइन आपको थोड़े बहुत डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, 200 के अराउंड ही आपको मिलेगी। तो बिल्कुल अगर आपको दाग धब्बे हैं और पिगमेंटेशन वगैरह है, सन टैन है, सन से स्किन डैमेज हो चुकी है, ग्लो नहीं है स्किन पे, तो आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे कुछ नहीं हैं कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो, पर अगर इसको लगाने के बाद, मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए, पर आपको अगर इसको लगाने के बाद रेडनेस होती है, इचिंग होती है, हाँ, और बर्निंग होती है, तो बिल्कुल इस जेल को आप यूज़ ना करें। इसका मतलब ये है कि ये आपको सूट नहीं कर रही है, आपको इसको यूज़ नहीं करना है। स्किन टाइप्स वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आपकी स्किन पे कोई इन्फेक्शन है, कोई चोट वगैरह लगी थी, कोई घाव है, कुछ प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तब आप इसको, इस जेल को यूज़ ना करें, नहीं तो कोई भी इसको यूज़ कर सकता है और मेल फीमेल दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल एक बार आप इसको यूज़ करके देखो, इसके कैसे रिजल्ट्स आपको मिले मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर इसको आप पहले भी यूज़ कर चुके हो तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा वो भी मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।